नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े के बारे में बात किया जाए तो इस टीम को लीड कर रहे नारकोटिक जोनर के लीडर समीर वानखेड़े के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की कंपनी के साथ जुड़े रह चुके क्षितिज प्रसाद ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। जैसा कि आप जानते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिनों के लिए रिमांड होम में भेजा गया, यानी कि एनसीबी के कस्टडी में उन्हें पूछताछ के लिए रखा गया है। इसके बीच में कह रहे हैं क्षितिज कि नारकोटिक ने उनके चेहरे पर अपना जूता रखा और कहा कि ये मेरी औकात है, ये मेरी हैसियत है। फिल्म प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद जो कि अरेस्ट हो चुके हैं, उन्होंने नारकोटिक के ऑफिसर को लेकर ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि करण जौहर को फॉल्सली यानी कि गलत तरीके से फंसाने के लिए उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। नारकोटिक मामले में सुशांत सिंह राजपूत के केस में करण को जबरन इन्वॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर सामने लाया जा रहा है और मुझसे जबरन झूठ कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी मामले में धर्मा प्रोडक्शन को लेकर जो एलिड कंसेप्शन केस है, इसमें करण ने हाल ही में एक एप्लीकेशन भी जारी किया और उन्होंने कहा कि धर्मा प्रोडक्शन और करण दोनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी शख्स इनसे जुड़ा हुआ अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है और वो ड्रग से जुड़ा है या भी नहीं, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है किसी की निजी जिंदगी में। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने प्रसाद को बीते शनिवार को गिरफ्तार किया है। इसके लॉयर सतीश मान शिंदे ने कहा प्रसाद को बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है और एजेंसी इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट कैप्चर करने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया है, ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत तकलीफ देह है। एनसीबी ऑफिसर ने कहा दे वुड लेट मी ऑफ इट आई वुड इम्प्लीकेट एदर जनरल करण जौहर, सुमन मिश्रा, राखी अपूर्वा, नीरज और राहिज ने। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने यह भी कहा कि अगर वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि करण इसमें इन्वॉल्व है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसे समीर वानखेड़े को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आए हैं क्षितिज प्रसाद के, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनर हेड के साथ, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। ये कहना है क्षितिज प्रसाद का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति रिपोर्ट।